नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार का वो कद्दावर चेहरा लालू प्रसाद यादव, जिसकी बोली के हुंकार से विरोधी चित हो जाया करते थे, वो इस वक्त रांची के रिम्स अस्पताल में हैं, सजायाफ्ता हैं, इलाज करा रहे हैं। लेकिन उनके जो विधायक हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का जलवा बिहार में बरकरार रहेगा। क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक भाई वीरेंद्र, जरा सुनिए। अरे सीट एक है, हमारा वोट था सही जगहों में। लालू जी के जलवा, जब तक लालू जी है तब तक जलवा रहेगा। और सीसीए के मामले, सीएए और एनआरसी, ये सब जो मामले हैं, जो कानून आए हैं, जब तक लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आरजेडी के वर्कर और महागठबंधन के वर्कर और नेता में एक बूंद भी खून होगा, इसको देश में हम लोग लागू नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ में आंदोलन करने का काम। ये तो जेडीयू भी बोल रहा है, अब ये निवेदन। अरे जेडीयू सब वोट कर दिया है और बोल रहा है, बोलने से थोड़ी होगा। माफ करने वाली है जनता क्या? बिहार की जनता बड़ी ही सजग है। और इस बार जैसे लोग गांव में सोटा रखता है ना, सोटा सोटा जानते हैं ना, इस बार पिजा के रखे हुए सोटा जनता दल यू और बीजेपी के लोगों के लिए कि तुमने बिहार को लूटा, देश को लूटा, अब ना ही लूटने वाले हम, लुटाने वाले नहीं है, आपने ठगने का काम किया है, अब सोटा से सोटियाने का काम करेंगे, वोट नहीं देंगे, महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। लोजपा अध्यक्ष जो चिराग पासवान है, वो तो अभी भी जो है नीतीश कुमार के इतने अपराध हो रहे हैं, इतना सुशासन खत्म हो रहा है, फिर भी काफी तारीफ कर रहे हैं लोजपा के चिराग। अच्छा, पासवान का अपना व्यक्तिगत मामला है, तारीफ करेंगे नहीं तो चुनाव कैसे जीत जाते हैं, यहाँ से जिताए कैसे जाते, तारीफ करके ही ना चुनाव जीते हैं, अपने बलबल पर थोड़ी चुनाव जीते हैं जमुई के सांसद, छोड़िए उन सब बातों को, कौन लोग हैं क्या। निवेदन समिति में अब तक जम्मू के कितने मामले आए हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलना जी ना, नहीं नहीं, रोक है, हम लोग को विधानसभा से रोक है कि निवेदन समिति के संबंध में चर्चा विस्तार से नहीं करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, तो जो नियम है कोई विस्तार से नहीं, मैं नहीं जानता। आप पत्रकार हैं, आप मैं ये कहना चाहता हूँ एक आध मामले ऐसे है, हम देख रहे हैं, जब से हम पहुंचा रहे हैं कि आप लोग माफी मांगिएगा कि हम ये करेंगे, वो हम तो करके दिखाया। सर एक मामला कोई बता दिया जो अंजाम तक पहुंचा हो, सब अंजाम तक हम पहुंचाने का काम, जांच पूरी हुई हो और उसमें दंडित हुए हो लोग, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, इस पर आरसीपी टैक्स क्या है जरा आप समझ, इस पर आप लोग बुद्धिजीवी, आप सब जानते हैं आरसीपी टैक्स, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप किसी को आप कर रहे हैं ना, मैं तो आरसीपी टैक्स में शॉर्ट में बोल दिया, आप कहीं डिक्शनरी में देख लीजिए। तो आपने सुना, मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के और आरजेडी के विधायक है, मनेर से जीतते आए हैं, लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सीएए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी अपना स्टैंड रख रही है उसके खिलाफ लगातार आरजेडी हुंकार भरती रहेगी। और बिहार का वही कद्दावर चेहरा लालू प्रसाद यादव, जिसने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक दिया था, उनका जलवा आज भी बरकरार है, भले ही वो रांची में क्यों ना हो। उनका चेहरा और उनकी बोली, उनका ट्वीट कितना इफेक्ट करेगा विधानसभा चुनाव को, ये तो खैर आप देखेंगे ही, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जलवा बरकरार रहेगा बिहार में, ये साफ कर दिया है भाई वीरेंद्र ने। लाइव स्ट्रीम देखते रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले समय में ये जलवा कितने कितने के होश उड़ा देगा वो भी आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।